बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं निशू गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला के अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का ये वीडियो 9th 10th फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों हमने इसके पहले आपको कायदा, टुकड़ा, परन आ सिखाया और उन सब के अंत बंदिशों के अंत में त्याही होती है ना। अब ये त्याही क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है और क्या इसके प्रकार हैं, वो आज मैं आपको बताऊँगी। कोई भी बोल समूह जिसके पश्चात धा आता हो को पूरा पूरा 3 बार समान लय की गति से बजाने के पश्चात सम पर या किसी निश्चित स्थान पर आया जाए तो उसे तिहाई कहते हैं। बच्चों कोई भी बोल समूह, आप कायदे का जो बोल था धा धा टिटे धा सुना, आपने उस बोल समूह को लिया या कोई भी बोल ले लिया, टिटे कद गद गन धाति धागे दीना, कोई भी बोल समूह ले लिया और उसके पश्चात धा जरूर लगाना है, बिना धा के तिहाई नहीं होती है। तो कोई भी बोल समूह उसके पश्चात धा आता हो यानी धाधा तेटे धाधा तूना धा लिया, अब इसको 3 बार पूरा पूरा समान लय की गति से हमने लिखा, एक ही लय में लिखा। अगर दुगुन में लिख रहे हैं तो दुगुन की लयकारी में लिखेंगे, तिगुन में लिख रहे हैं या चौगुन की लयकारी में लिख रहे हैं चौगुन की लयकारी में लिखेंगे। लिखने 3 बार समान लय की गति से लिखा और उसको बजाने के पश्चात फिर जब सम पर आए तो उसे हम तिहाई कहते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए तिहाई 2 प्रकार की होती है, दमदार तिहाई, बेदमदार तिहाई। दमदार तिहाई जिस तिहाई के पहले और दूसरे भाग को बजाने के पश्चात रुकाव, विश्राम या थोड़ा दम दिया जाए तो उसे दमदार तिहाई कहते हैं। बच्चों तिहाई में 3 बार कोई बोल समूह को लिखना है, जैसे धा तेटे धा तू न धा, धा तेटे धा तू न धा, धा तेटे धा तू न धा, ठीक है। तो 3 बार हुआ और 3 बार लिखने के बाद ये धा तेटे धा तू न धा, हमने विश्राम भी दिया। धा 2 मात्रे का है, यहाँ दम 2 मात्रे का है। देखिए धा धा तेटे धा धा तू ना धा आ, धा धा तेटे धा धा तू ना धा आ, धा धा तेटे धा धा तू, मतलब ये बोल बजाने के बाद हम रुके, विश्राम किया, दम दिया और फिर इसके दूसरे भाग को बजाए धा तेटे धा धा, तब फिर रुके धा के बाद, फिर विश्राम दिया और फिर देखिए धा तेटे धा तू ना धा और तीसरा धा हमारा सम पर आ गया। तो इस प्रकार ये दमदार तिहाई हो। बेदमदार तिहाई देखिए जिस तिहाई के पहले तथा दूसरे भाग को बजाने के पश्चात या तिहाई के बीच के दोनों भागों को बजाने के पश्चात बिल्कुल भी ना रुका जाए तो उसे हम बेदमदार तिहाई कहते हैं। अब इस तिहाई में बिल्कुल भी, जैसे यह धा तेटे धा तू ना धा, ये धा के बाद बिल्कुल भी दम ना दिया जाए और धा में भी 1 मात्रे का धा ये नहीं रहेगा, आधे का रहेगा पौन या 1/4 मात्रे का रहेगा, इससे ज़्यादा अगर रहेगा तो वो दमदार तिहाई में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों जिस तिहाई के पहले और दूसरे भाग को बजाने के पश्चात या तिहाई के बीच के दोनों भाग को बजाने के पश्चात बिल्कुल भी ना रुका जाए तो उसे हम बेदमदार तिहाई कहते हैं। देखो तेटिकत गदिगन धा, तेटिकत गदिगन धा, तेटिकत गदिगन धा, यहाँ हमने धा आधे मात्रे का दिया है, आधे का हो सकता है या 1/4 का हो गया धा, या वग्रह ना हो, एकदम शुद्ध वेदम तब होती है जब इसमें ये अवग्रह भी नहीं होता है, उतना आप लोग साध नहीं पाएंगे और हमने बहुत छोटी मात्रा की बेदमदार तिहाई लिखाई है। ये रूपक ताल में भी आ सकती है और तीव्रा ताल में भी आ सकती है, दोनों के विभाग चिन्ह सब एक ही हैं, ठीक है। बच्चों कैसे लगेगी ये तिहाई देखिए, धा धा ते, 3 ताल में है ये, धा धा ते टे धा धा तू ना धा आ,
दादा तेटे दादा तू ना धा आ दादा तेटे दादा तू ना था। वेदम दाती एक उदाहरण देखिए, तेटिकत गदिगन धा 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 तेटिकत गदिगन धा। देखा बच्चों, इसे बिल्कुल भी धा पता नहीं चल रहा है और इसमें बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ता है। धा धा तेटे धा धा तू ना धा आ धा धा तेटे धा धा तू ना धा आ धा धा तेटे धा धा तू ना धा। इसको देखिए, तेटिकत गदिगन धा तेटिकत गदिगन धा तेटिकत गदिगन धा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चों इसको अपनी थ्योरी वाली कॉपी में लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे से लिख कर याद करने का अभ्यास कीजिएगा। यह प्रश्न हर क्लास के बच्चों की परीक्षा में आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से याद कीजिएगा और ताल लगाकर भी याद कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या हाई स्कूल के बच्चों को अवश्य पूछा जाता है। आपके आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।